कौन, एक लिख दो, एक का मतलब ये है कि इसके खुद के कंपाउंड है ना। तो सबसे पहले इसके जब अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे आपने शॉर्ट नोट सीखे थे कुछ इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, इंट्रोडक्शन खत्म, ठीक है, इंट्रोडक्शन खत्म, मजाक नहीं, इंट्रोडक्शन, चलो, एवरीथिंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ कार्बन, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, जैसे इंसान की बॉडी वगैरह वो एलिमेंट है, मतलब जो मेड है, मेड का मतलब समझ रहे हो, बनी हुई है, जैसे एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ कार्बन, जैसे फूड हो गया, खाना जो खाते हो आप, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है, लकड़ी हो गया, क्लॉथ, मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन, बुक, ठीक है, तो जितने भी आप नॉन लिविंग थिंग्स देख रहे हो, अल्टीमेटली जो एलिमेंट नहीं है, जैसे तुम बोलो गोल्ड भी कार्बन कम है, वो फिर मत पूछ लेना, ठीक है, आयरन जो है आयरन का ही है, वो कार्बन का नहीं है, तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, जैसे पिट्टी है कार्बन की बनी होती है, ठीक है, अच्छा अर्थ में कितना कार्बन पाया जाता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, अर्थ में कितना कार्बन होता है, 0.02 दे रखा है एनसीईआरटी, और मैं उसको कोई फॉलो करूंगा, है ना, बस यार उसको अंडरलाइन करते जाना, कर दिया ना मैंने, हाँ ये अर्थ एटमॉस्फेयर लिख लेता हूँ मैं, और अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में लिख लो, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, पर वो कार्बन का ही फॉर्म, मतलब कार्बन का कंपाउंड है वो, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, समझ गए, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में यहाँ पर लिख लो, ये CO2 प्रेजेंट, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ऑल मटेरियल मेड अप ऑफ कार्बन को भी लिख रहा हूँ, ठीक है, कार्बन का आपको पता ही है एटॉमिक नंबर और का सिंबल एटॉमिक मास, ठीक है ना, मुझे पता है, वो इंट्रोडक्शन पे आएंगे, उसके सब चीज़ों से मैं सबका नोट करूँ, अच्छा ये पृथ्वी में जो क्रस्ट में मिलता है ये किस फॉर्म में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, तो देखा जाए तो पता है कि इसकी मात्रा तो बहुत कम है, बाकी इसका बहुत बड़ा मतलब इसको एज अ कार्बन को इसका ज़्यादा एडवांटेज क्यों दिया है, जब तक ऐसा क्यों नहीं बोल रहा है, गोल्ड रखा है, आयरन एन इस कंपाउंड, गोल्ड एन इस कंपाउंड, ऐसा तो एक बार सारा चक्कर हो जाते सब कुछ, ठीक है, तो बिल्कुल एक्चुअली जो जो कार्बन है ना, ये बहुत पूछा जाता है, तो कार्बन के ही हम चक्कर क्यों पड़ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कार्बन का पता चलता है एक्चुअली कि कार्बन का चक्कर हम क्यों पड़ते हैं, इसको बॉन्डिंग वगैरह से पता है, तो आप समझ लो कार्बन इज वेरी वर्सेटाइल, कार्बन क्या है, वर्सेटाइल मतलब सबसे दोस्ती कर लेता है, कार्बन वर्सेटाइल का मतलब अच्छा बॉन्डिंग मतलब क्या है, दोस्ती तो है, मतलब यहाँ पे क्या है, दोस्ती एक कार्बन की जो ऑक्सीजन के साथ दोस्ती है, कार्बन किसी के साथ भी क्या कर लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है, तो बॉन्डिंग
होती है तब जाके कंपाउंड बनता है। हालांकि बॉन्डिंग से भी अपन बात करेंगे अभी क्या होती है, पहले समझ लो बॉन्डिंग बनती है और कंपाउंड नया बन जाता है, बॉन्डिंग होती है और कंपाउंड नया बन जाता है। ठीक है, जैसे CO2 में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होती है, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको दो टाइप की बॉन्डिंग पहले बताई थी, एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो एक बार और फिर से बताऊँगा ना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग से पूरा चैप्टर है ये। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग होती है इसमें कार्बन हर किसी के साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। तो इसलिए कम से कम इसके अभी 30 लाख कंपाउंड हैव बीन डिस्कवर टिल नाउ, 30 लाख 30 लाख कंपाउंड अभी तक क्या हो चुके हैं, मतलब इसकी अपनी अलग ही कनेक्टिविटी है। कार्बन 30 लाख कंपाउंड ऑफ कार्बन हैव बीन डिस्कवर टिल नाउ, मतलब 30 लाख कंपाउंड कम से कम, मतलब 30 लाख तो बोलने से हैं, तो ज़्यादा ही और होंगे कंपाउंड, समझ गए। जैसे उनमें से अपन एक एग्जांपल किसका पढ़ रहे हैं, ये आपको 30 लाख के पूरे 30 लाख नहीं पढ़ने, 11th में जैसे 11th और 12th में ऑर्गेनिक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कार्बन से रिलेटेड जब जो भी आता है ये किसके अंतर्गत आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। कितना आता है, अच्छा ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, ऑर्गन, ऑर्गन मतलब पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो किसके बनी है, कार्बन से, तो उसको वहाँ से नाम दे रखा है। ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़, ऑर्गेनिक समझ गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये चैप्टर, जिसके अंदर किसके रिलेटेड चीज़ें आती है, कार्बन। ठीक है, 30 लाख कंपाउंड कम से कम बनते हैं, मिनिमम मिनिमम कितने कंपाउंड है अभी तक, 30 लाख अभी तक जिसका होता है, कार्बन, कार्बन के फॉर्म में नहीं होता है ना। अच्छा, तो मैं कार्बन साइकिल तो पढ़ी थी, कार्बन साइकिल भी थी ना, तुमने साइकिल एक तो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी 9th में थी, तो एक चैप्टर में थी, वाटर साइकिल पढ़ी थी है ना, कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल भी थी, कार्बन साइकिल ज़्यादा पढ़ने का भी, ज़्यादा पढ़ने का नुकसान ये रहता है कि कई बार वो सर उसका आपसे लेना देना नहीं है, साइकिल एक चीज़ होती है जो कि रिपीट होती रहती है अपने आप में। ठीक है, तो इसके कंपाउंड जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 30 लाख, और इसके मैक्सिमम कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, इसके जितने भी कंपाउंड बनेंगे कार्बन प्लस साथ में क्या मिलेगा, इन दोनों की बहुत गहरी मित्रता है। तो जितने भी कंपाउंड आप देखोगे कार्बन के साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। 30 लाख यार, छोटी सी चीज को मत इतना दीजिए, 30 लाख कंपाउंड का कैसे मिलेगा। ठीक है, वो कोई इससे कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है, वो जिसे बताने के लिए बताया जाता है, कोई तुमको 35 लाख बोल देगा, कोई 40 लाख बने, हाँ 30 लाख कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सल्फर ऑक्सीजन सबसे मिलकर बना है, बाकी जो अधिकतर कंपाउंड बनते हैं वो किसके बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बनते हैं, उनके नीचे नंबर नहीं है, कितने लाख बनते हैं, कितने करोड़ बनते हैं, ये सब नंबर नहीं है। टोटल कंपाउंड ओवरऑल कार्बन की मिनिमम 30 लाख अभी तक हो जाएगा, एन सी आर टी की लाइन होगी, 30 लाख ही दिए ना सर, स्टेट से दिए हैं, कहीं दिया हुआ है मुझे याद नहीं है, करता है बिल्कुल, कार्बन कार्बन के साथ में बॉन्डिंग करेगा, 30 लाख फिर कैसे बनेंगे, बॉन्डिंग सक्सेसफुल भी तो होना चाहिए, बताऊँगा तुम्हें मित्रता होने के लिए क्या नहीं है, मैं बताऊँ मित्रता होने के लिए ये है कि भैया एक हाथ से तू ले और दूसरा हाथ से तू ले, अब तू ले लिया और तू कुछ देगा नहीं, तो मित्रता होगी तो बॉन्डिंग बनेगा नहीं। तो बेटा चार इन चार कार्बन शेयर कर लेंगे, इसके पास जगह भी तो होनी चाहिए रखने के लिए। ठीक है, चलो अब ये देखो क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बॉन्डिंग इन कार्बन, क्या लिखोगे,
प्रोडक्शन में इतनी चीज आ गई, बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग में अपन देखेंगे क्या, दो टाइप की बॉन्डिंग होती है, दो टाइप की बॉन्डिंग है, एक आयनिक बॉन्डिंग और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग। पहले तो ये बॉन्डिंग को समझ लिया जाए, तब जाके आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, मैं मतलब बार बार चीजें रिपीट करता हूँ, भले इस समय मैं अगर किसी को बता दी होगी तो उसमें क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफिस से क्लास ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट क्या होता है। ठीक है, देखो केमिस्ट्री बिल्कुल जो बेसिक पे की चीज़ है, नाइन्थ क्लास का अगर तुमने केमिस्ट्री थोड़ा बहुत किया होगा, मैं तुमको हमेशा बोलता था है ना, तो नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री होती है वो बेसिक होती है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं, तुमको एटम मॉलिक्यूल और ये सब रटवाए तो थे। ठीक है, तो जितना भी अपन जो नाइन्थ में जो दो चैप्टर थे ना, एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर का बेटा, उसी से ही आपका इलेवंथ का बेस भी बनता है, ट्वेल्थ का बेस भी बनता है, जिसमें उनका केमिस्ट्री का और सबसे टेंथ के क्वेश्चन भी होते हैं उसी से। तो अपन कुछ चीज़ें तो मैं बता दूंगा आपको, भले से वो छूट गई तो छूट गई, ठीक है, पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो ऐसा पूरा पूरा चैप्टर था। ठीक है, तो कार्बन, चलो पहले अपन बॉन्ड की देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड किससे बनते हैं? आयनिक बॉन्ड बनते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। हाँ, देने वाला क्या होता है? पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव। अभी आयनिक की बात करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल मैंने बता दी थी यार, अभी तुमको उसने बताई थी मेटल नॉन मेटल में एन ए सी एल एन जी सी एल टू, ये बताया था आपको। ठीक है, बता देता हूँ, जैसे एन ए सी एल एक बॉन्ड है, एन ए सी एल क्या है? बॉन्ड एन ए और सी एल का एक कंपाउंड है। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% आता है, तुमको अभी आया था जैसे डॉट स्ट्रक्चर पर, वही क्वेश्चन था, गलत था, पर अभी भी एक क्वेश्चन आएगा तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अभी भी आएगा, बोल रहा हूँ ध्यान से उसको समझ लेना। ठीक है, तो एन ए सी एल, एन ए सी एल कैसे बनता है? एन ए सी एल को आपको पूछ लिया कि बताओ ये आयनिक के भी कोवेलेंट है, सोडियम क्लोराइड नाम का क्लियर है, सोडियम क्लोराइड, अच्छा इसमें दो हिस्से, एक एन ए है और एक सी एल है। चलो एन ए का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है? 11, उसको अपन नीचे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, और इसका कॉन्फिग्रेशन क्या बनता है? 2, 5, 1। सी एल का नंबर होता है 17 और 2, 8 होता है ना। अब आपको पता है, ये तो सभी को पता है कि कंपाउंड तभी बनता है जब उसका ऑक्टेट है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन आखिरी जो सेल होता है वो किससे पूरा करना चाहता है? उसको 8 करना होता है ना। इसके लिए वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो क्या बन जाएगा? नहीं देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो इसकी चीज क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। पेयरिंग में ना नेगेटिव बनता है ना पॉजिटिव, इसके लिए वो पोलर कोवेलेंट होता है, उसमें जिस तरफ जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखता है, अपनी तरफ खींच के रखेगा वो वाला नेगेटिव है, जितना मतलब है अल्टीमेटली वो क्या है, ले लिया। ठीक है ना, पेयरिंग में तुमको वैसे बताऊंगा आपको तो बहुत क्लियर हो जाएगी, अभी अलग भी इसको समझ लो। एन ए सी एल, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर चला जाएगा, ट्रांसफर होने पर नया कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ये एन ए प्लस बन जाएगा, तो क्या होगा? 2, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले जाकर क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2, और प्लस ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले चुका, लेने के बाद ही तो प्लस आएगा, माइनस ये बताता है एक इलेक्ट्रॉन ले चुका, तभी तो 7 से कितना करा लेने के बाद। अच्छा, अब ये दोनों बन जाते हैं कंपाउंड, तो
दोनों क्या कर लेते हैं, मित्रता कर लेंगे आपस में, क्या बनाएंगे उन्हें, अच्छा उसको बना दे तो अपन ऐसे एनए का आपने क्या बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन आखिरी का बता दिया, तो इसके आगे के 8 इलेक्ट्रॉन है, पूरे डॉट नहीं बना रहा हूँ, तो इसके अंदर कितने, दो दो आटो रहे ना, दो आटो पता चलता है, और यहाँ पर सी अल्फा दो एक क्या है आठ, और फिर कितना सात, हालांकि इसको अपन है ना एक को डॉट से बताते हैं, रेसिपी कितने ताकि कंफ्यूजन में उसको ड्रॉप से बता दें, और फिर अपन क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है आखिरी बने ये इधर दिखा के फिर इसका अगला डायग्राम बना लो, अगला डायग्राम क्या बन गया, एक सेल गायब कर देना, हाँ एन ए प्लस लगा देना ऊपर, और तीन से क्या लगा देना, मतलब वो उसी डायग्राम के ऊपर ही देखो, तो यहाँ से ही हटेगी इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ प्लस और यहाँ पर आप आठ लगे आ जाना, हाँ तो पूरे के ऊपर क्या जाता है, अब ये अपने आप से कस्टमाइज कर सकते हो डायग्राम, अंदर लगा दो ऊपर लगा दो, अब कस्टमाइज का मतलब समझ लिया, अपने हिसाब से क्या कर सकते हो तुम उसको बता सकते हो, इसके लोग इसके लिए लोगों ने स्टैंडर्ड नहीं बनाया, तो स्टैंडर्ड रूल होता है ना, तुम बताओ अपने हिसाब से बता, समझने वाला समझ गया, ये लिखता हूँ उड़ती जगह चला गया, ठीक है, और ये चीज़ अपन देखते थे, देखो एन ए सी एल टू क्यों नहीं बना, इसी में बताता था आपको एन ए सी एल थ्री क्यों बना, एन ए सी एल टू फॉर्मूला क्यों नहीं लिखते हैं, अपन वैलेंसी से भी निकालते थे, देखो एन ए की वन और सी एल की कितनी वन, हाँ क्योंकि एक बिल्कुल इसको एक की जरूरत थी और एक तुमने दे दिया, बाकी एन ए टू का मतलब सी एल टू का मतलब ये होता है कि दो क्लोरीन, हाँ दो क्लोरीन की जरूरत होती और दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होते थे, एक इसको देता और एक उसको देता, जैसे एन जी सी एल टू क्यों बनता, एन टू क्यों बनाते अपन, एन जी सी एल टू हाँ ये भी समझ गए हो तुम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है, 12 2 8 और 2, क्लोरीन का अपना कोई पुराना वाला 2 8 और, अब यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये तो 2 गायब कर देगा आपका है ना, बाकी क्लोरीन को कितने चाहिए, एक चाहिए, तो एक से तो काम नहीं बनेगा ना, बोलेगा एक रख लेगा भाई, एक और क्या करेगा, दो दोस्त ले जाते हैं, तो एक को दे दूंगा और एक तो दोस्त को दे दूंगा, तो अपना सबका काम हो जाएगा, तो एक और क्लोरीन मार्केट में आता है कोई 2 8 और 7 लेके, तो इसका 2 में से 2 को क्या लिखूंगा मैं, 1+1 लिख दूँ, तो एक ये ले लेता है और एक तरीके से मित्रता हुई, और एम जी सी एल टू मतलब एक मैग्नीशियम के साथ दो बिल्कुल लगता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितने का चार्ज आएगा, एक लगता है मैग्नीशियम के ऊपर कितने का आएगा, क्लोरीन तो एक ही ले रहा है ना, क्लोरीन कितना ले रहा है, तो क्लोरीन के ऊपर तो एक का ही चार्ज आएगा, तो सी एल टू आएगा, अच्छा इज इट करेक्ट टू राइट सी एल टू माइनस, इट इज नॉट, सी एल टू माइनस का मतलब क्या हो गया कि आपने उसको कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, दो इलेक्ट्रॉन, और वो ले लिए हैं उसके पास जगह ही नहीं है, ठीक है, नहीं सी एल टू एग्जिस्ट ही नहीं करता क्लोरीन के लिए, क्लोरीन कितना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो जिसके पास कितने की गेट है यहाँ से पता चलता है, और ना रही अच्छा इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, रंगोली बताई थी ना मैंने पहले आपको, अब समझ गया ना आपको, समझ में आ रही है सारी, एम जी सी एल टू जैसे यहाँ पर एक मैग्नीशियम बनाओगे और यहाँ से बनाओगे एक सी एल और एक सी एल, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको बता देना, ठीक है चलो भी लाइन, अब यार वो जो कि समझ में आती है ना उसको मैं टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं करता, उनको जिसका भी बताया ये बनाया ये गोले बनाया दो इलेक्ट्रॉन में था फिर आया सब बनाओगे ना तुम भी लास्ट वाला,
पर एक्चुअली क्या होता है ना, लास्ट बनाने से वो तुम गायब कर दोगे तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं अगले दिन, इसलिए तुम पूरा ही बनाया करो गाय, पूरा बनाया करो। जैसे क्या मैग्नीशियम का बनाओगे तो क्या बनाना है शुरू में, कितने दो एक सेल बनाना, कितने जी दो, फिर कितने बनाना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर आती वाले कितने वो कोवलेंट बॉन्ड है, अभी आयनिक बता रहा हूँ मैं, समझ आ रही बात क्यों, क्योंकि जो अभी है ना इंट्रोडक्शन की बात की है और कोवलेंट की बात की है, फिर से दोनों में कंपेरिजन किया हुआ है, तो इसीलिए मुझे बताना जरूरी है, ये चीज मैं आगे बताना चाह रहा हूँ, चलो समझ गए। और यहाँ पे क्लोज है तो काम है उसको दूर दूर रखो, बाद में वो चीज उसको बॉन्ड जैसा भी होता है वो हो सकता है, ऐसा नहीं बनाएगा ऐसा बनाना, ऐसे क्लोरीन के भी बनाओगे ना, यहाँ दो आठ और पहले दो फिर आठ फिर सात, और यहाँ भी दो आठ तो फिर सात, बस ऐसा बना देना, पर दो इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ क्या बनाना, दो क्रॉस, यहाँ पे आठ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बनाना, और यहाँ पे सात की जगह दो तीन सौ सात, ठीक है। और आखिरी में एक डायग्राम जो बनता है अगर पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या बनाना, एन जी के आखिरी में कितने हो जाएंगे उधर आठ, मतलब दो और आठ, क्लोरीन के यहाँ पे कितने हो जाएंगे दो, तो सात तो डाट रहेंगे, फिर दो तीन चार पाँच छः सात डॉट, और ये वाले क्लोरीन में सात डॉट और एक क्रॉस, ठीक है। ये दिया हुआ है मेटल नॉन मेटल, कहाँ दिया है मेटल नॉन मेटल में दिया है, और तुमको इसमें भी दिया हुआ है वो कोवलेंट बॉन्ड समझाने के लिए इसमें दिया है, पर अभी अपन मैं किसकी बात बता रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा क्या गया इसमें ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर समझ में आता है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बोला तू ले, मेरे पास तो बहुत है, उसमें क्या क्या है बस एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एम जी सी एल टू, एम जी सी एल थ्री बनाना सही रहेगा, तो एम थ्री बोलने का मतलब ये हो गया कि फिर अब मेरी दोस्ती पूरी नहीं हो रही है, दोस्ती पूरी करने के लिए वही थी ना, ऐसे कोई मुझे नहीं बना रहा। अच्छा एल सी एल थ्री भी बनता है, क्या बनता है एल सी एल थ्री, अब तुम समझ गए एल सी एल थ्री क्यों बनता है ना, एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है तीन, वो तीन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी तीन क्लोरीन, इसलिए एल सी एल बनना है। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल से नहीं बना सकते, ठीक है, बहुत सारे बन जाएंगे जो भी आयनिक के हैं, ये जो होते हैं आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं हाई, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये पॉइंट लिख लो। जो इंडिया जो तुमको पूछते हैं ना सी बी एस ई वाले वो क्या पूछते हैं पता है, वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आ जाते हैं, जो तुम ये बता रहा हूँ क्वेश्चन, वो ऐसा थोड़ी पूछेंगे कि बताओ इसका ये डायग्राम बना दो, तो ये इसमें नहीं लिखा आपको इंट्रोडक्शन में शुरू मिलेगा, ठीक है दिया हुआ है, हाँ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड आई सी लिख दिया है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर बी डॉट बी डॉट लिख दिया, ठीक है, एन डॉट बी डॉट बी डॉट बी डॉट, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, जैसे नमक, नमक को अगर मेल्ट करना है ना तो आपको बहुत देर तक उसको मेल्ट करना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो चीज़ है कि मेल्ट नहीं होगा, मतलब आयनिक कंपाउंड अल्टीमेटली आयनिक कंपाउंड जो भी होगा उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया बताओ एन ए सी एल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है कि सी एच फोर का ज़्यादा है, तो आपको देखना है कि बॉन्डिंग कौन सी दोनों, एन ए सी एल में कभी बॉन्डिंग अभी बताई मैंने उसी में भूल जाए, इसमें आयनिक कंपाउंड होता है,
पर अभी कोल एंड पढ़ा नहीं अपन ने, बाकी फिर भी कार्बन का कंपाउंड है तो मंथली बोल दिए थे कोल एंड, और कोल एंड बॉन्डिंग के तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कार्बन कोल एंड की बनाता है क्यों बनाता है कभी अभी आगे मतलब रीजन आएगा। आपको अभी एच पी पढ़ने का ठीक है, अभी आपको एच पी तीसरा कंपाउंड है यार तुम समझ लो, इसके अलावा दूसरे भी आएंगे अपने ये भी पूरे आदमी हैं बहुत बड़ी समझ। अभी कोवलेंट बता रहा हूँ सब बनते हैं यार, तुमने अभी दुरुस्ती पूरी कहाँ पड़ गई AlCl3 बना लोगे ना। अच्छा और क्या रह गया, मोस्ट कार्बन कंपाउंड है हाँ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयन होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज की जरूरत होती है, चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच, तो दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। जैसे NaCl का मतलब क्या है, आपने एक क्लास में पढ़ा होगा कि बताओ जो ग्लूकोज हाँ ग्लूकोज ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, एक क्लास में कहा ना कौन सा आयन कंडक्ट C6H6O12 है ना C6H6O12 ग्लूकोज, ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ग्लूकोज समझते हो ना, ग्लूकोज जैसे हम जो लेते हैं वो ग्लूकोज का ही फॉर्मूला होता है उसमें भी, और अपनी बॉडी अंदर भी क्या बनाती है ग्लूकोज बनाती है, तो जो ग्लूकोज होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्लूकोज एक अच्छा NaCl को आप किसी मिला रहे हैं Na+ और Cl- कब टूटता है जब इसको आप किसी मिलाते हैं आपको दिखता नहीं, आप इसको नमक मिलाते हो ना तो वो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे तुम तार लगा के देखना, ये तार यहाँ पे लगाया एक बैटरी एक बल्ब लगा दिया ठीक है, ये तार से इसका कनेक्ट कर दिया तो ये बल्ब क्या हो जाएगा ग्लो हो जाएगा, याद है एक क्लास में था प्रोग्राम अभी भी पढ़ाया था मैंने थोड़ा बहुत बताया होगा, पर ये बल्ब कंडक्ट होने का बल्ब क्यों चलेगा उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पड़ चुकी है, मतलब कुछ यहाँ से घुस के अंदर जाएगा तो यहाँ से Na+ में से कुछ भी तार निकल के जाएंगे, अभी यहाँ तक डिटेल में नहीं जाना आपने समझ में आ गया, ये Na+ है ये किसकी तरफ जाएगा बैटरी से माइनस की तरफ तो वो इधर से चला जाएगा, मतलब इधर क्या जाएगा Na+, हालांकि इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन का खेल होता है वो तुम छोड़ दो बस कंडक्ट करता है लेकिन आयनिक बॉन्ड पानी में घुल भी जाते हैं, ये भी लिख लो आयनिक बॉन्ड आर सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर एज दे इन देयर इंडिविजुअल आयन फॉर्म, इंडिविजुअल ब्रेक इन देयर इंडिविजुअल आयन थोड़ी गलत लिख देता हूँ ताकि तुमको समझ ठीक है, ये अपने आयनिक स्थिति देखा ना तुमने NaCl कौन सी स्थिति इसमें टूटा Na+ और Cl-, तो एक टर्म चलती है लाइट डिजॉल्व लाइट, लाइट डिजॉल्व लाइट, लाइट डिजॉल्व लाइट का मतलब है कि आयनिक कंपाउंड आयनिक के अंदर घुल जाता है और कोवलेंट कंपाउंड वार्निंग तो जैसे मैंने बताई थी ना वार्निंग बताऊंगा तब मैं बता दूंगा आपको सारे और ठीक है, कार्बन के अलावा भी कंपाउंड होते हैं जो कोवलेंट होते हैं, लाइट डिजॉल्व लाइट का मतलब समझ गया आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक घुल जाएगा और
कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे केरोसिन, केरोसिन पानी में नहीं मिलता है ना। अच्छा, पानी में कोवलेंट बॉन्ड होता है ये, परंतु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पॉजिटिव निगेटिव बनता है, इसलिए वो अपन उसको आयनिक में बोल सकते हैं। अच्छा, तो पानी देखा तुमने केरोसिन, केरोसिन एक कार्बन का कंपाउंड है, पेट्रोल कार्बन के कंपाउंड है, डीजल कार्बन के कंपाउंड है, कभी पानी में मिक्स नहीं होते, कितना भी मिक्स कर लो वापस से ऊपर उठ के आ जाते हैं। बस पेट्रोल के अंदर पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर पेट्रोल मिक्स हो जाएगा, डीजल के अंदर पेट्रोल, दोनों का अंतर क्या है, एक ज़्यादा क्वान्टिटी में कम क्वान्टिटी में, दोनों प्रॉपर कितना भी रेशियो मिलेंगे कितना हो जाएगा, खुल जाएगा आपका जो ये रहता है नेल पॉलिश रिमूवर, उसके अंदर डीजल डाल देना, उसके अंदर पेट्रोल डाल देना, सब क्या होता है दूसरे के अंदर प्रॉपर प्रपोर्शन में मिक्स हो जाते हैं, जस्ट लाइक यूर मिल्क एंड वाटर। मिल्क वाटर में ऐसा तो नहीं देखते थे कि दूध जा रहा है रस्ते में, जैसा पानी अलग रह गया, ठीक है, दूध चढ़ रहा है अलग अलग, पानी नीचे रुक गया, ठीक है। चलो, तो कोवलेंट कंपाउंड में ही घुलते हैं, और आयनिक कंपाउंड में वाटर में बॉन्डिंग एक्चुअली कोवलेंट होती है, पर वो ऑक्सीजन का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ज़्यादा खींच लेता है, तो वो ऑक्सीजन से निगेटिव और हाइड्रोजन से पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए उस तरीके से वो आयनिक जैसे हो जाता है। सर वहाँ तक तुमको नहीं जाना, ये समझ में आ गया, आयनिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हाँ। कोवलेंट के बारे में बात नहीं की अपन ने, पर कोवलेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट किसके ज़्यादा रहेंगे, आयनिक, कोवलेंट के क्या रहेंगे, कम। टेबल में जब तुम बना लेते तो उसमें कोवलेंट से कम में क्या जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड पानी में घुलेंगे क्या, कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड में घुलेंगे क्या, हाँ। ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, आगे की चीज़ अपन और कंटिन्यू करेंगे। ओ, हाँ, दो।